इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के मुकाबले से पहले कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बदल दी पूरी की पूरी प्लेइंग 11 टीम। यहां पर तीन भूखे खुखार शेरों की वापसी, जिसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम के कप्तान थर थर कांपने लगे हैं। आप सभी को बता दें कि सूर्य कुमार यादव ने अपनी कप्तानी में साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाफ जो है प्लेइंग 11 में काफी बड़े बदलाव किए हैं, जो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा और लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि सूर्य कुमार यादव ने किन किन दिग्गज खिलाड़ियों को टीम इंडिया में लिया है साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलने के लिए। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपको पूरा का पूरा प्लेइंग 11 बताएंगे कि किन दिग्गज खुखार शेरों की वापसी की है, जिसको देखने के बाद सुनने के बाद जो है साउथ अफ्रीका की टीम थर थर कांपने लगी है, क्योंकि भारत वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के T20 सीरीज में जो 5 सीरीज भारतीय टीम के साथ खेली गई उनमें 4 मुकाबले भारतीय टीम ने काफी अच्छे बखूबी तरीके से जीते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि कुछ खिलाड़ी हैं जो वो उस मुकाबले में फ्लॉप रहे, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है सूर्य कुमार यादव ने, और कुछ ऐसे दिग्गज खिलाड़ी थे उनको प्लेइंग 11 में शामिल किया है। लेकिन उसके बाद जो खिलाड़ी वर्ल्ड कप में खेले थे उन खिलाड़ियों को भी अपनी टीम में लिया है, क्योंकि भारत अब कोई भी मुकाबला किसी भी देश से हारना नहीं चाहती है। कप्तान खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने पूरी की पूरी प्लेइंग 11 को कुल मिलाकर बदलकर रख दिया है, जो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा यह मुकाबला कहां पर खेला जाएगा, कितने बजे खेला जाएगा और कौन कौन से दिग्गज खिलाड़ी इस मुकाबले को खेलेंगे। पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए, ताकि आपको पूरी की पूरी सही सटीक जानकारी मिल पाए। या सबसे पहले अगर हम बात करें तो एसएसवी जायसवाल, जी हाँ एसएसवी जायसवाल काफी खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज है। एसएसवी जायसवाल आपको पहले नंबर पर खेलते हुए नजर आएंगे। दूसरे नंबर हम बात करें तो शुभम गिल, जी हाँ शुभम गिल हैं, वो काफी बेहतरीन विस्फोटक और खूंखार बल्लेबाज हैं। आप सभी लोग शुभम गिल को जानते ही होंगे, जिन्होंने इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के सभी मैचों में अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाया और वर्ल्ड कप में काफी बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया। इनके छक्के चौके की अगर बात करें तो ये काफी कम उम्र में अच्छी शख्सियत पाली, और जब ये पिच पर टिक जाते हैं, मैदान पर चल जाते हैं, तो ये काफी बेहतरीन रन बनाते हैं। आप सभी को बता दूं कि शुभम गिल अगर सूर्य कुमार यादव ने अपनी टीम में लिया है तो बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि भारतीय टीम को जिताने के लिए ये बंदा अकेले ही काफी है। अब हम बात करेंगे दूसरे नंबर पर सबसे घातक और बेहतरीन विस्फोटक बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ की। ऋतुराज गायकवाड़ काफी खतरनाक और विस्फोटक बल्लेबाज हैं। आप सभी को बता दूं कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के T20 के तीसरे मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ ने 51 गेंदों में 123 रन की नाबाद पारी खेली थी। हालांकि वो तीसरा T20 का मुकाबला हम हार गए थे हमारी खराब गेंदबाजी की वजह से, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ने कोई कसर नहीं रखी थी, अपना शतक भी पूरा किया था, उन्होंने 51 गेंदों में 122 रन की नाबाद पारी खेली। तो ऋतुराज गायकवाड़ और आपको तिलक वर्मा यहां पर खेलते नजर आएंगे। तिलक वर्मा काफी बेहतरीन विस्फोटक बल्लेबाज हैं, जिन्होंने पांचवें मुकाबले में T20 के पांचवें सीरीज में अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाया, और यहां पर इंडिया की टीम की तरफ से साउथ अफ्रीका के खिलाफ तिलक वर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग में उतरेंगे। अब हम बात करेंगे खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव की, ये चौथे नंबर पर आप लोगों को यहाँ पर खेलते नजर आएंगे। अब हम बात करेंगे सबसे विस्फोटक और खूंखार बल्लेबाज की, जिसका नाम है रिंकू सिंह। रिंकू सिंह का नाम सुनते ही सामने वाली टीम की धज्जियाँ उड़ जाती हैं। रिंकू सिंह वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है, जो सामने वाली टीम इस आंधी तूफान जलजले में आ गई तो वो उड़ के चली ही जाएगी। जी हाँ मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया के सभी खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता अकेले इस बंदे ने दिखा दिया। हालांकि ये पांचवीं T20 सीरीज में फ्लॉप रहा, लेकिन कोई बात नहीं, अब ये मुकाबला है जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये बंदा खेलेगा। अब हम बात करेंगे सबसे खूंखार और विस्फोटक अच्छे कीपर और फील्डर और बॉलर सभी की, जी हाँ ये ऑलराउंडर बंदा है, जिसका नाम श्रेयस अय्यर और ईशान किशन है। श्रेयस अय्यर और ईशान किशन काफी बेहतरीन विस्फोटक बल्लेबाज हैं, इन्होंने पिछले मैचों में भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया और लगातार ये अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। अब हम बात करेंगे जितेश शर्मा विकेट के कीपर के रूप में यहां पर नजर आएंगे, और फिर हम अगर बॉलर की बात करें तो रविंद्र जडेजा काफी खूंखार और विस्फोटक गेंदबाज रविंद्र जडेजा यहां पर आप लोगों को खेलते नजर आएंगे। रविंद्र जडेजा पूरे के पूरे वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन दिखाया और अपने एक ओवर में एक विकेट लेते ही रविंद्र जडेजा यहां आप लोगों को गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे, उपकप्तान के भी यह जिम्मेवारी निभाएंगे। अब हम बात करेंगे वास्किंगटन सुंदर की, जी हां वास्किंगटन सुंदर काफी बेहतरीन फील्डर भी हैं, गेंदबाजी भी अच्छी करते हैं, यह बंदा ऑलराउंडर है। अब हम बात करेंगे रवि बिश्नोई और कुलदीप यादव की। रवि बिश्नोई और कुलदीप यादव इंडिया टीम की तरफ से साउथ अफ्रीका के खिलाफ यहां पर खेलते नजर आएंगे। जी हां मैं आपको बता दूं कि रवि बिश्नोई और कुलदीप सिंह यादव ये काफी अच्छे गेंदबाज भी हैं और बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, अगर हम बात करें तो ये ऑलराउंडर हैं। इन्होंने लोगों ने इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया, काफी अच्छा अपना योगदान दिया और इन्होंने काफी कई मैच सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में जिताए। अब हम बात करेंगे सबसे खूंखार विस्फोटक गेंदबाज की, जिसका नाम है हर्षदीप सिंह, जिसका नाम सुनते ही सामने वाली टीम की धज्जियां उड़ जाती हैं। हर्षदीप सिंह काफी बेहतरीन विस्फोटक गेंदबाज है और इसकी फील्डिंग भी काफी अच्छी खासी है। हर्षदीप सिंह आप लोगों को यहां पर 9वें नंबर पर खेलता हुआ नजर आएगा। हर्षदीप सिंह काफी विस्फोटक खूंखार गेंदबाज है, जिसने T20 की 5 सीरीजों में लगभग भारत को
काफी बेहतरीन प्रदर्शन अच्छा दिखाया और जीत दिलाई। हर्षदीप सिंह की गेंदबाजी से जो है अच्छा अच्छा आदमी हिल जाता है। कुछ बैटिंग करने वाले को समझ में नहीं आता आखिरकार बॉल मारूं तो मालूम कैसे, क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया वर्सेज इंडिया के मैच में लास्ट ओवर में 6 बॉल पर 10 रन चाहिए थे और सामने थे मैथ्यू वेड ऑस्ट्रेलिया के कप्तान, तो वहां मैथ्यू वेड को कुछ समझ में नहीं आया और आखिरकार अपना विकेट गंवा चुके थे। तो हर्षदीप सिंह यहां पर आप लोगों को खेलते नजर आएंगे। अगर हम बात करें लगभग 10वें और 11वें नंबर की, तो यहां पर सिराज मुकेश और दीपक चहर खेलते हुए नजर आएंगे। जी हां, मोहम्मद सिराज और मुकेश दीपक चहर काफी बेहतरीन विस्फोटक गेंदबाज ये भी हैं, बल्लेबाज भी हैं और इनकी कीपिंग फील्डिंग भी अच्छी है, तो यहां पर ये लोग खिलाड़ी खेलते नजर आएंगे। यार कुल मिलाकर सूर्य कुमार यादव ने अपनी प्लेइंग 11 में काफी बेहतरीन विस्फोटक खुखार बल्लेबाजों की और गेंदबाजों की जो है वापसी की है, जिसके हिसाब से जो साउथ अफ्रीका की टीम अभी से ही डर गई है। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।